पूर्व वन मंत्री हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ा ओबीसी चेहरा, बहुजन समाज पार्टी में एक समय मायावती के बड़े खास और राइट हैंड माने जाते थे और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर भी जुड़े हुए हैं। आज राजभर जी सुनेंगे कि दारा चौहान क्या बोल रहे हैं, फिर मैं राजभर जी से मुखातिब होऊंगा। तो राजभर जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने दारा भाई को सुनिए कि वो आज क्या बोलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दारा सिंह चौहान जी, आपको भारत समाचार पर जोड़ने के लिए। आपने इस्तीफा क्यों दिया दारा जी? देखिए, आप सभी लोग जानते, पूरा प्रदेश जानता है कि 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में तमाम वंचित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, किसान, नौजवान, सारे लोगों ने मिलकर के भारी बहुमत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, इस आशा और भरोसे के साथ कि आने वाले दिन में हमें न्याय मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपने देखा कि पिछले 5 साल में देखते देखते के साथ अब न्याय मिलेगा, अब अधिकार मिलेगा, 5 साल के सरकार के तमाम निर्णय के बावजूद इस गरीब समाज, पिछड़े समाज के प्रति, दलित समाज के पास, वंचित समाज प्रति कोई न्याय नहीं मिल पाया। आपने देखा कि आज पूरे प्रदेश में जो नौजवान है आज सड़क पे अपने रोजगार के लिए डिग्री लेकर के घूम रहा, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। टीचर की भर्ती में आपने देखा कि सारे लोग जाड़े, बरसात, गर्मी में सारे लोग सड़क पे बैठे हुए अपने आरक्षण को लेकर के। आज पूरे प्रदेश का जो किसान है, जो हमारा अन्नदाता है जी, जिसे आज जाड़े के दिन में अपने घर में रहना चाहिए, तो छोटे छोटे किसान जो 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघे वाले हैं, सारे लोग अपने खेत की रखवाली के लिए जानवरों से आज खेत में सो रहे हैं। पर दारा सिंह जी, ये बात आपको 5 साल आप मिनिस्टर रहे, 5 साल में आपने क्या कैबिनेट के भीतर या बीजेपी के किसी फोरम के भीतर आवाज उठाई? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने तो उठाई थी और पार्टी क्विट कर दी थी। मिश्रा जी, आप जानते हैं कि सारे निर्णय जो है सरकार के एक दिन में, एक कैबिनेट में नहीं होती, आखिरी दिन तक, सरकार के आखिरी दिनों तक सरकार जो है निर्णय लेती रहती है। तो हम लोग इस आशा और भरोसे में थे जी, माननीय प्रकाश जी से बात को पहले भांप गए थे कि शायद इस सरकार में से पिछड़े, गरीब, वंचित, दलित, जो बेबस, लाचार है, कुछ नहीं होने वाला है। शायद हम लोग को भांपने में थोड़ी देर हो गई, हम तो आखिरी क्षण तक इंतजार करते रहे, शायद अब पिछड़ों के हित में कोई फैसला होगा, अब दलित के लिए कुछ फैसला होगा, अब किसान नौजवान के हित में कोई फैसला लाएगी सरकार, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए तब जाकर जिन मसलों का आप जिक्र कर रहे हैं दारा भाई, उन मसलों को कभी आपने कैबिनेट में या बीजेपी के भीतर उनके सीनियर लीडर्स के साथ डिस्कस किया था? देखिए, बहुत सारे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार के फोरम पे और संगठन के फोरम पर मैं दोनों स्तर पर यहां से लेकर दिल्ली तक मैंने प्रयास किया। किस गरीब, मैंने कहा कि इस प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, जहां सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़ों की है, आधे से ज्यादा आबादी जहां पिछड़ों की है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा है। आज उनके रोजगार, जो नौजवान है रोजगार के लिए सड़क पे है, वैसे रोजगार के लिए चाहे अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हर समाज के लोग लाचार थे, आज सड़कों पे घूम रहे हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आज किसान, चाहे किसी जात धर्म मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आज अपने खेत के रखवाली के लिए, जानवर से बचाने के लिए जाड़े के दिन में मजदूर है, खेत में सोने के लिए है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनको, तो आपने कभी जब लीडरशिप से ये बात कही तो वो आपकी बात सुनते थे या इम्प्लीमेंट नहीं करते थे या नकार देते थे या आपकी सुनी नहीं जाती थी? अब बहुत, देखिए, अगर सुनी गई होती, तो शायद आज ये नौबत नहीं होती, क्योंकि लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ इस प्रदेश में, आपने देखा कितना बड़ा पिछड़ा समाज, पूरे शिद्दत के साथ इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए सारे लोगों ने एक साथ, लोगों ने कुछ भी नहीं देखा लेफ्ट राइट,
केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो शायद हमारे साथ न्याय होगा, हमारे अधिकारों की रक्षा होगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा। लेकिन 5 साल की सरकार में शायद ये न हो पाने के नाते ही अंत में आहत होकर के हमने निर्णय लिया कि जिस सरकार में हमारे मंत्री रहते हुए हमारे पिछड़े समाज के, दलित समाज के, वंचित समाज के, चाहे किसान हो, नौजवान हो, जब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे 2017 में, उस वक्त आपने अमित शाह की मौजूदगी में ज्वाइन भी किया था, आपकी क्या बात हुई थी, क्या आपको वो सम्मान बीजेपी में नहीं मिला? देखिए, यह बात तो मैंने एक बार नहीं, कई बार मैंने प्रयास किया कि बड़े स्तर पर इस बात को रखा जाए कि जहां आज गरीब है, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है जिनको सूरी नहीं जाती है, वो भी बहुत दुखी बेचारे हैं, और पिछड़े समाज की तो पूरी तरीके से उपेक्षा ही कर दी गई, दलित समाज की पूछ नहीं रही, और इसी कारण से आज तमाम जो गरीब है, नौजवान है, किसान है, चाहे दलित हो, पिछड़े, व्यापारी हो, सारे लोग दुखी होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, वो कौन सा ऐसा क्षण था जब दारा सिंह चौहान को लगा कि अब इनफ, अब बीजेपी छोड़ देना चाहिए, वो कौन सा ऐसा क्षण था? देखिए, मुझे जो आज हमने निर्णय लिया है, जब फोरम उठाने की बात थी तो शायद मैंने उस डेट को याद इसलिए नहीं किया कि कल मुझे क्या करना है, लेकिन मैंने हमेशा व्यवहारिक मंच पे, जिम्मेदार मंच पे, हमने हमेशा पिछड़ों की लड़ाई हमने छात्र जीवन से लड़ी है, और हमेशा जिस दल में मैं रहा, हमेशा दलित पिछड़ों की बेहतरी और विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी रक्षा, सुरक्षा, अधिकारों, आरक्षण, आज पूरे देख रहे हैं कि आरक्षण का क्या हल हो रहा है, आज जो हमारे जो नौजवान हैं। अच्छा, आपके मित्र और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है और आपसे कहा है कि दारा सिंह चौहान मेरे भाई हैं और अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, क्या आप केशव मौर्य के आग्रह को स्वीकार करेंगे? देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ, शायद ही कोई नेता हो जिस मंच पे, जिनके सामने मैंने इन सारी चीजों को, जो समस्या आपके सामने बता रहा हूँ, मैं चर्चा न किया हूँ, शायद ये बात सुन ली गई होती, शायद ये नौबत न आती। यही कारण है कि आज हमारे जैसे लोग भी आज अपने सरकार से त्याग पत्र देने का काम किया है, और आने वाले दिन में भी जब निर्णय होगा कि मुझे क्या करना है अपने समर्थक साथियों के साथ, जितने भी पूरे प्रदेश से हमारे शुभचिंतक और समर्थक हैं, जिनके आशीर्वाद क्या करने वाले हैं, ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया। मेरा अगला प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव आपको क्यों पसंद है? देखिए, मैं बता दूं कि जनता है, सब जानती है, ये नेता जो गांव का रहने वाला, जो गरीब है, शायद लोगों को पता, वो चूंकि गरीब है, वो चट्टी चौराहे पे बोलता नहीं है, आने वाले दिन में कौन नेता क्या है, क्या करने वाला, किसके हित में है। आपके बगल में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बैठे हैं जी, इस चीज को पहले भांप लिया उन्होंने, आप कुछ कहना चाहेंगे राजभर जी से, आपको वो सुन रहे हैं? नहीं नहीं ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी उस सामाजिक न्याय के आदमी हैं, समता मूलक समाज और गैर बराबरी के खिलाफ पूरे जीवन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, और आने वाले दिन में भी इस गैर बराबरी और समता मूलक समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए मुझे पूरा भरोसा है लड़ते रहेंगे। ऐसे ही भरोसे की बुनियाद पर सारे पिछड़े समाज के लोगों ने, क्योंकि शुरुआत उन्होंने किया था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना था, हम सारे लोग, जब आप लोग रिस्क नहीं ले रहे थे तब ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा दिया, जब आप लोग रिस्क नहीं ले रहे थे तब उन्होंने अखिलेश यादव को ज्वाइन किया। मैं चाहता हूं कि वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, मैं उनको कनेक्ट करता हूं। राजभर जी, बहुत शुक्रिया।